Hello friends, welcome to our channel Learn with Nishman. We are going to start a very new playlist with very important one of the aspect of law, that is Indian evidence law, right? The law relating to evidence. And today we are going to start with the very basic thing about its history and introduction of evidence law, how it evolved, right? How it came into existence. So बच्चे एविडेंस लॉ एज यू नो इट इज द पार्ट ऑफ प्रोसीजरल लॉ राइट इन इंडिया वी यूज टू टाइप्स ऑफ लॉ द सब्सटेंसिव लॉ एंड द प्रोसीजरल लॉ एविडेंस लॉ इज बोथ सब्सटेंसिव एज वेल एज प्रोसीजरल वन राइट द पर्पज ऑफ एविडेंस इज टू डू कंप्लीट जस्टिस एंड फॉर दैट पर्पज बोथ सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल लॉज आर नेसेसरी द पर्पज ऑफ This law is to obtain remedy, to give right and remedy, right? Evidence Act जो है बच्चे, it plays vital role in both CPC and CRPC. CPC Civil Procedure Code, CRPC Criminal Procedure Code. Purpose of Evidence Act is also to do complete justice, right? Main purpose of evidence is to prove or disprove. अ पर्टिकुलर फैक्ट तो अगर आपसे कोई पूछ ले दैट वॉट इज द पर्पज ऑफ एविडेंस एक्ट यू हैव टू से मेन पर्पज ऑफ एविडेंस वाई वी यूज एविडेंस एक्ट इज टू प्रूव समथिंग और टू डिसप्रूव एनी फैक्ट राइट सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू रीड इन एविडेंस एक्ट 1872 एविडेंस एक्ट बेसिकली इंक्लूड्स थ्री पार्ट्स It has 11 chapters consisting of 167 sections. Right, bache? Part 1 is related to relevancy of facts. In it, we will cover chapter 1 and 2, preliminary and relevancy of facts. Part 2 is, excuse me, on proof. And in it, we are going to cover 4 chapters, facts which need not to be proved. Means court hine khud hi assume kar leti hai. Then it's oral evidence. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ईच चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे प्ले लिस्ट जैसी स्टार्ट होगी हर वीडियो को अच्छे से देखना है कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है बिकॉज एवरी वीडियो कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एविडेंसेज बाय डॉक्यूमेंट्स देन योर पार्ट थर्ड इज प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस हाउ वी प्रोड्यूस एविडेंस एंड वट विल बी देयर इफेक्ट्स फर्स्ट इज बर्डन ऑफ प्रूफ Estoppel, witness, examination of witness, improper admission and rejection of evidence, right? So in all these we will cover section 167. अब बच्चे जो हमारा Indian Evidence Act था, it was enacted on 15th March 1872. Dates याद रखना, 15th March 1872 को ये enact हुआ था, but enforce means existence में कब आया 1st September 1872 को All right? In order to trace history of law of evidence in our country, we have to face three different periods. हम three different periods से अपने evidence act को introduction के बारे में पढ़ते हैं देखिए first period was according to Hindu law. हिंदू लॉ में क्या होता है बच्चे जो हमारे एविडेंसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं डिवाइन मींस अल्टीमेट जो गॉड के ही होते हैं उपदेश द सेकंड आर ह्यूमन एविडेंसेस लाइक गवाह हो गया कोई डॉक्यूमेंट हो गए मेड बाय ह्यूमन दीज आर देन अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ में हम कैसे एविडेंसेस देखते हैं वो उनके लॉ के अकॉर्डिंग होता है पर्टिकुलर सेक्शन का जो लॉ होता है And the third is the British period, right? So, जो British period था बच्चे उसमें James F. Stephen ने right? In 1872 prepared the Bill for the Act and is in present day. उन्हीं का वो बिल अभी तक चल रहा है who was interested with the same work. Indian Evidence Act जो हमारा है Indian Evidence Act 1872 बच्चे it was drafted by whom? Name याद रखिएगा Sir. Fitzjames Stephen, right? Sir Fitzjames Stephen enacted our Indian Evidence Law.
ओके. नाउ व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट बच्चे, क्या ऑब्जेक्ट था? द मेन ऑब्जेक्ट इज टू फैसिलिटेट द जजेस टू फॉर्म अ रैशनल कंक्लूजन एज टू द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्प्यूटेड फैक्ट. अगर कोई, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी आपको समझ में आएगा फैक्ट्स कैसे हम कर रहे हैं. अगर कोई फैक्ट है जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, लाइक फैक्ट इज ए हैज़ मर्डर्ड बी और नॉट, सो दिस इज द फैक्ट. और इसके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के ऊपर एक रैशनल कंक्लूजन बनाने के लिए ये बोला जाता है दैट एविडेंस लॉ इज हेल्पफुल, राइट. ये लॉ हमें बताता है कि अदालत के सामने हमें कैसे पहुंचना है, अपने पक्ष को कैसे रखना है, हाउ टू पुट आवर एविडेंस, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंसेस आर अलाउड, व्हाट आर द स्कोप्स, व्हाट आर द फैक्ट्स दैट कोर्ट्स कैन इनवाइट. ओके. इट इज नॉन एग्जॉस्टिव इन नेचर. दिस एक्ट इज लेक्स फोरी. लेक्स फोरी मीन्स रूल ऑफ प्लेस ऑफ लॉ, ये लॉ ऑफ लैंड. सो व्हाट law is prevalent in India, that's what evidence law says. Okay, it is basically a procedural law, matlab procedure hota hai bache iska, but some of its provision do also come under substantive law, right. Maine bataya na evidence law substantive ka bhi part hai aur procedural ka bhi part hai. Okay, dekhiye bache kis kis case mein evidence diya ja sakta hai, evidence ke taur par क्या क्या दिया जा सकता है, और किसी भी आंसर या किसी फैसले या किसी जजमेंट पर आने के लिए व्हाट एनीबडी नीड्स इज एविडेंस. एविडेंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एंड इट इज रिक्वायर्ड इन बोथ सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, राइट बच्चे. सिविल प्रोसीजर कोड में भी जैसे पहले सूट डाला जाता है, समन होते हैं, राइट, हियरिंग्स होती हैं, इश्यूज, ट्रायल चलता है. सेम वे इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ट्रायल हुआ, इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट बाय पुलिस, चार्ज इज फ्रेम्ड, राइट, ट्रायल, प्रोसिक्यूशन, देन डिफेंस चलता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जजमेंट आती है. सो ऑल इन दैट एविडेंस एक्ट अप्लाईज. हर स्टेप पे एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा, और इसलिए जब आप सीपीसी और सीआरपीसी करेंगे तो आपको साइड बाय साइड एविडेंस को पढ़ना है, बिकॉज दे आर कोरिलेटेड एंड दैट्स व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ आवर लीगल सिस्टम, राइट. एवरी लॉ इज डिपेंडेंट ऑन अनदर वन, राइट. सो व्हाट इज प्रूव्ड, जब ये जजमेंट्स होती हैं, ये प्रोसीजर चलता है, प्रूव क्या किया जाता है? द फैक्ट्स विल बी प्रूव्ड, फैक्ट्स, राइट. जो मैं आपको टर्म्स लिखवा रही हूँ ये समझते जाइएगा, फैक्ट्स, राइट. और एविडेंस किया कैसा दिया जा सकता है? डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस. आप कोई रिटन एविडेंस दे सकते हैं या कोई ओरल और वर्बल एविडेंस भी दे सकते हैं. फाइन बच्चे. देयर आर सर्टेन फैक्ट्स दैट नीड टू बी प्रूव्ड, राइट. जो प्रूव करना मेजर है एंड विदाउट प्रूविंग जजमेंट जो है वो वैलिड नहीं आ सकती. सो मेन फैक्ट्स दैट आर फैक्ट्स इन इश्यूज, जो बिल्कुल ही जो फैक्ट इन इशू है दैट इज द मेन फैक्ट. एंड अदर फैक्ट्स क्या होते हैं? उस इशू से रिलेटेड होते हैं, दोज आर रेलिवेंट फैक्ट्स. तो हमारे क्या हुए? दो तरीके के फैक्ट्स इन इशू एंड अदर वन आर रेलिवेंट फैक्ट्स. रेलिवेंट कौन से होते हैं? दोज विच आर रिलेटेड एंड फैक्ट इज इन इशू इज द मेन फैक्ट. सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ बच्चे, ए मर्डर्ड बी. ओके. सो मेन फैक्ट क्या हुए? ए कॉज्ड डेथ ऑफ बी. इट इज द एक्टस रियस. ए हैड इंटेंशन टू कॉज द डेथ. तो ये मेंस रिया था, राइट. ए एक्टेड इन प्राइवेट डिफेंस और एक्टेड वाइल ही वॉज अनसाउंड. सो ये सब क्या हो सकते हैं? ये फैक्ट्स इन इशू हैं, हमें ये प्रूव करने ही करने हैं. एनी फैक्ट विच डिटरमाइंस द राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज, राइट, या लाइबिलिटीज जो डिटरमाइन करें, दैट इज द मेन फैक्ट इन इशू, राइट. प्राइमरी फैक्ट्स हम जिसे बोल दें या प्रिंसिपल फैक्ट्स हम बोल दें, तो वो सब हमारे फैक्ट्स इन इशू हैं. नाउ देयर मे नॉट बी डायरेक्ट एविडेंस, राइट, कोई डायरेक्ट एविडेंस ना हो, एंड इट विल हैव टू प्रूव द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेज सो दैट इट मे बी रीजनेबल, इन रीजनेबली एक आंसर निकाला जाए दैट वर रेलिवेंट फैक्ट्स, राइट. तो रेलिवेंट फैक्ट्स कैसे हो सकते हैं? लाइक पुलिस केम टू कैच टू ए, ए रैन अवे, ये एक रेलिवेंट फैक्ट्स हो सकता है, सराउंडिंग से हमें एविडेंस मिला. या बी बिफोर डेथ टोल्ड दैट ए किल्ड हिम. बी किसी को, लाइक सी को मरते वक्त बता जाता है कि उसको ए ने ही मारा है. इट इज ऑल्सो द रेलिवेंट फैक्ट.
राइट जैसे हम फैक्ट्स एंड इशू को प्राइमरी फैक्ट्स बोल देते हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स को बच्चे सेकेंडरी या एविडेंशरी फैक्ट्स बोला जाता है. ओके और कोई रिलेटेड फैक्ट्स जैसे मर्डरर वेपन फाउंड इन द हाउस ऑफ ए, राइट, और उस पर फिंगरप्रिंट्स ए की हैं, तो ये भी एक रेलिवेंट है. ओके ए हैड क्वेरल विद बी एंड थ्रेटन टू किल बी. एक हमें एक और बात पता चली कि कुछ दिन पहले ए की बी से लड़ाई भी हुई थी और ए ने उसको धमकी दी थी दैट ही विल गोइंग टू किल हिम. सो दैट इज ऑल्सो तो ये मोटिव, तो मोटिव हो गया बच्चे या किसी एक्सपर्ट की राय होगी कि जैसे उनके फिंगरप्रिंट्स ए के हैं, ये सब रेलिवेंट फैक्ट्स हैं. राइट Now we have to prove the facts in issue, but it cannot be proved directly as no direct evidence. Right? आपके पास कोई direct evidence नहीं होती कि हाँ A ने ही B को मारा है. Therefore, it can be proved by relevant facts. इसलिए हमें relevant facts जरूरी होते हैं, like fingerprints हो गई या B ने C को बताया है. Okay? So these are facts in issue is proved by relevant facts. So these both are dependents. Okay? Direct फैक्ट्स इन इशू क्या होते हैं, जो बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, लाइक किसी ने उसको मारते हुए ही देख लिया, आई विटनेस, ठीक है. और सरकम रेलिवेंट होते हैं जो सरकमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं. राइट, हाउ टू प्रूव दैट मर्डरर वेपन वॉज फाउंड इन द हाउस ऑफ ए, सर्च एंड सीजर रिपोर्ट से आपको पता लगा हो या विटनेस ऑन ओथ हो, ये सब प्रोसीजर है. राइट, बी टोल्ड टू सी दैट ए किल्ड हिम, सो सी विल कम टू द कोर्ट एंड गिव ओरल टेस्टिमनी एंड क्रॉस एग्जामिनेशन विल बी डन. ये सब रेलिवेंट एविडेंस का प्रोसीजर है. सो इन ऑर्डर टू प्रूव फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स द एविडेंसेज आर गिवन. क्या गिवन होते हैं बच्चे, एविडेंसेज. एविडेंसेज जैसे मर्डरर वेपन को प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट पे कि इसके फिंगरप्रिंट्स हैं. राइट, सी को प्रेजेंट होना होगा कोर्ट में दैट ही सेड टू मी That A killed him, right? और murderer weapon जो उसके घर में मिला है तो वो report court में present करनी पड़ेगी. ये सब क्या है, evidences. And evidences के लिए ही हम ये law पढ़ने वाले हैं. Why that so important? Okay बच्चे, facts in issue and relevant facts को prove करने के लिए we need evidence. So whole evidence act is about proving and disproving the facts. हमें या तो ये प्रूव करने हैं या ये डिसप्रूव करने हैं. ऑब्वियसली ए के ऊपर एक ड्यूटी रहेगी टू डिसप्रूव देम. राइट, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा टू डिसप्रूव ऑल दी फैक्ट्स. सो व्हाट, हाउ, हु विल प्रूव दीज फैक्ट्स, पार्टी अपॉन हुम बर्डन ऑफ दिस प्रूफ लाइज, ये सब हम एविडेंस एक्ट में पढ़ने वाले हैं. हु विल बी द विटनेस, हाउ द एग्जामिनेशन इज टू बी डन, डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, सेकेंडरी एविडेंस क्या होंगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द कमिंग वीडियोज वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड फॉर नाउ इट्स ओवर. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन. टिल देन गुड बाय.